नमस्कार, पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण सड़क योजना से लेकर गांव में ब्रॉडबैंड संपर्क बढ़ाने जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करने के लक्ष्य को हासिल करने का आम बजट 2022 में एक स्पष्ट खाका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि फ्रांस के साथ भारत के संबंध विश्वास पर आधारित हैं और यह एक ऐसा रिश्ता है जो अन्य मामलों में देखे गए अचानक बदलावों से मुक्त रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के एक मामले में बुधवार को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से पूछताछ की। थलसेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने बुधवार को कहा कि भारतीय सेना देश की सीमाओं पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी संभावित खतरे को लेकर चौकाना तथा तैयार है। कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को रामबन जिले में भूस्खलन और ताजा बर्फबारी की वजह से बुधवार को बंद कर दिया गया। भारत में गत एक दिन में कोविड 19 के 15,102 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,28,67,031 हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने बुधवार को फेसबुक, ट्विटर और गूगल की उन याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया जिनमें योग गुरु रामदेव के खिलाफ मानहानिकारक आरोपों वाले वीडियो लिंक वैश्विक स्तर पर हटाने, निष्क्रिय या ब्लॉक करने के आदेश को चुनौती दी गई है। नंदिनी ने कजाकिस्तान की वेलेरिया एक्सनोवा पर आसानी से जीत के साथ बुल्गारिया के सोफिया में चल रही 73वीं स्ट्रेंडजा मेमोरियल मुक्केबाजी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत का पहला पदक भी पक्का कर दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने रूसी समकक्ष के साथ होने वाली बैठक रद्द करते हुए कहा कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण की शुरुआत कर दी है। नमस्कार।